नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 के श्लोक 29 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतिर गुणा सम्मुधः सज्जन्ते गुणा कर्मसु तन् आकृत्स्ना वीडो मंदन कृत्स्ना विन्ना विचालयत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performance lack of knowledge. जो लोग होता है ना spirituality से दूर रह के सिर्फ अपना कर्म 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 करते जाते हैं and material activities में बहुत ज़्यादा उलझते जाते हैं and उसमें attached हो जाते हैं, उसके results को लेके परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो वाइज है उनको वैसे काम नहीं करना है, उनको थोड़ा स्पिरिचुअल बन के हर एक काम को करना है ताकि वो सही राह को पहचान पाए एंड चीज़ों को और आसानी से अचीव कर पाए, रिलैक्स्ड होकर अचीव कर पाए। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Persons who are unknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. This body is a gift of the material nature, and the one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda or a lazy person. Without understanding of spirit soul, ignorant men think of the body as the self. Understanding of spirit soul. Ignorant men think of the body as the self. They accept bodily connections with others as kings. Manship, the land in which the body is obtained in their object of worship, and they consider the formalities of religious rituals to be the ends in themselves. Social work, nationalism, and altruism are some of the activities of such materially designated persons. Under the spell of such designations, they are always busy in material field. For them, spiritual realization is a myth. And so they are not interested. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि इंसान ही इंसान का मदद करता है, भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, हमें कर्म ही करना चाहिए, ईश्वर की सोच रखने से भी ज़्यादा हमें बस काम करना चाहिए। फाइन, लेकिन आपको कभी कभी थोड़ा सा जो क्रिएटर फोर्स है उसके प्रति भी खुद को रिजाइन कर देना चाहिए, मतलब खुद को उनके हाथों में देख के। या फिर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करना है, कोई काम नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि पागलों की तरह काम करना है। दोनों में एक बैलेंस लाना ज़रूरी है, क्योंकि एक क्रिएटर फोर्स भी है जिसको जिसके साथ में कनेक्शन या अलाइनमेंट रखना ज़रूरी है, जिससे काम बहुत स्मूथली बन जाएंगे। एंड काम तो आपको खुद करना भी पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। जितना हो सके अपनी तरफ से काम भी करें एंड अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में भी रखें, तब जाके आपकी बात बहुत आराम से बन जाएगी। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप थकते चले जाओगे, परेशान होते चले जाओगे एंड चीज़ें नहीं बनेंगी। एंड सिर्फ स्पिरिचुअल बनोगे तो उसमें भी आप स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं करने से भी तो नहीं चलेगा ना। दोनों में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Those who are enlightened in spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. लेकिन हमें जाके उनको agitate या irritate नहीं करना है कि आप गलत direction में हो, नहीं करना है ऐसा। Better to prosecute one's own spiritual activities silently. लेकिन अपना काम आप करते जाओ। Such bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life as non-violence and similar materially benevolent work. लेकिन हमें अपना काम करते रहना है, उनको जाके उकसाना नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसे करना है वैसे करना है, उनको एडवाइस नहीं देना है। उनको उस काम में संतुष्टि मिलती है तो करने दो, अगर वो खुद से स्पिरिचुअल बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को उनके वजह से अफेक्टेड होने मत दो। और उनको जाके अलग से एडवाइस देने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो एडवाइस मांगते हैं तो अलग बात है, नहीं तो अपने लाइफ में आप स्पिरिचुअली एडवांसमेंट करते रहो। मैन हु आर इग्नोरेंट कैन नॉट अप्रिशिएट एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा एडवाइसेस अस नॉट टू डिस्टर्ब देम एंड सिंपली वेस्ट वैल्यूएबल टाइम। जो खुद को जिस डायरेक्शन में देखिए, किसी को आप बोल बोल के सिखा नहीं सकते, जब से वो उसको जब तक खुद रियलाइज नहीं होगा ना, कोई भी कुछ नहीं सीखेगा। तो अगर उसको सीखना नहीं है तो अपना टाइम उसको सिखाने में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दो उसको, जो करना है करो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, अपना काम करते रहो। बिकॉज एवरीबडी हु आर देयर ऑन दिस प्लैनेट हैव देयर ओन जर्नी। हम साथ में रहते होंगे या साथ में काम करते होंगे या फिर साथ में उठते बैठते होंगे, लेकिन हम सभी सेम तो नहीं है ना। सारे ही इंसान है जो कि ईश्वर के पार्ट एंड पार्सल्स है, उस तरीके से देखा जाए तो सभी इक्वल है, लेकिन हम सभी सेम नहीं है। इक्वल होना और मतलब सभी एक सोल है, इसीलिए सभी उसी एनर्जी से आते हैं।
लेकिन हर कोई अपने अपने में यूनिक है, कोई किसी का क्लोन नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, सारे अपने अपने में यूनिक है। सो इसीलिए अपने जर्नी में चलते रहो एंड कभी भी अपना टाइम उनको जबरदस्ती सिखाने में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बट द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर मोर काइंड एंड द लॉर्ड देन द लॉर्ड बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द लॉर्ड। कंसिक्वेंटली दे अंडरटेक ऑल काइंड ऑफ रिस्क इवन टू द पॉइंट ऑफ अप्रोचिंग इग्नोरमेंट। लेकिन जो ईश्वर ये एडवाइस देने के बाद भी जो इंसान होते हैं ना, वो ईश्वर से भी ज़्यादा काइंड हार्टेड निकल के आते हैं। ऐसा साबित होता है कि वो और ज़्यादा काइंड हार्टेड है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इग्नोरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं से ईश्वर के कॉन्शियसनेस में आ जाए या कहीं ना कहीं से वो सही डायरेक्शन में आ जाए, जो ह्यूमन बींग के लाइफ में नेसेसिटी है एक स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए वो एडवाइस करते रहता है, जबकि ईश्वर खुद बोलते हैं कि एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। तो आज से हम सब सीख लेते हैं कि हमें अलग से जाके किसी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़बरदस्ती ईश्वर के पथ में आने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अपना स्पिरिचुअल जर्नी करते रहे, अगर उनको करना है तो ज़रूर करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आपको उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यही तक था श्लोक नंबर 29 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम श्लोक 30 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।